देश का पहला लग्जरी क्रूज गंगा विलास अपनी पहली यात्रा के तीसरे दिन ही फंस गया। वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज बिहार के छपरा पहुंचा, जहां शेड्यूल के हिसाब से उसे किनारे लगना था, लेकिन उथला पानी होने की वजह से क्रूज फंस गया। शेड्यूल के हिसाब से सैलानियों को छपरा से 11 किलोमीटर दूर डोरीगंज बाजार के पास चिरांद के पुरातात्विक स्थलों का दौरा करना था। इसके लिए तय रास्ते से क्रूज छपरा पहुंच भी गया, लेकिन वहां गंगा नदी में पानी बिल्कुल उथला था, तो क्रूज को आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी। क्रूज के फंसने का पता चलते ही SDRF की टीमें बुलवाई गईं। नदी में पानी कम होने की वजह से क्रूज को किनारे लाना मुश्किल हो गया, तो SDRF की टीम ने छोटी नावों के जरिए सैलानियों को चिरांद तक लाने की कोशिश शुरू कर दी। संदेश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश हमारे देश की ओर से, हमारे राज्य की ओर से, कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर क्रूज गंगा विलास हमारे क्षेत्र से गुजर रहा है। और आप जैसा देख पा रहे हैं, साज सज्जा है, लोगों के स्वागत के लिए लोग आए हुए हैं। और ये चिरांद जो है, वो हमारा एक थैल्कोलिथिक साइट है, जो हिस्टोरिकल साइट है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पड़ाव रहा है। 2500 ईस्वी से लेके 2500 BC बिफोर क्राइस्ट से लेके 1600 BC तक यहाँ पर जो घटनाएं घटी, कैसे लोग रहे, किस प्रकार का इकोनॉमी था, वो सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ सैलानी यहाँ आ रहे हैं। तो स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए और उनको सहयोग प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम लोग सब इस भाव से काम करें कि हमारे यहाँ अतिथि आए हैं और पर्यटक नहीं आए हैं, ये अतिथि के रूप में आए हैं, इसी भाव से हम लोग उनके स्वागत में। जो जानकारी है उसके मुताबिक रिवर क्रूज बक्सर ट्रासे से होकर डोरीगंज होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और ये क्रूज वर्ल्ड में अपने आप में एक पूर्ण है, इस तरह का क्रूज और कोई नहीं है, रिवर क्रूज। डोरीगंज में लोग उतर रहे हैं, उतरेंगे, यहाँ की बातों की जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग उनकी तैयारी के लिए यहाँ खड़े हैं, उनके आगमन की इच्छा में है, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, यहाँ की भावनाओं को बताएंगे, ये हम गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला है। 13 जनवरी को इस क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई थी। लॉन्चिंग के वक्त बताया गया था कि गंगा विलास क्रूज नदी के रास्ते करीब 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। अब जब क्रूज फंस गया है और सैलानियों को छोटी नावों के सहारे उतारा गया है, तो क्रूज ठीक होने तक सैलानी उन जगहों पर घूम सकेंगे जो पहले से तय थे। इस क्रूज में स्विट्जरलैंड के कुल 31 सैलानी सवार हैं। खास बात यह है कि इसमें बुकिंग कराने वाले ज्यादातर लोग विदेशी ही हैं। ये क्रूज बिहार में कुल 6 जगहों पर रुकेगा, जिसमें बक्सर, छपरा, पटना, सिमरिया, मुंगेर, सुल्तानगंज और कहलगांव शामिल हैं। माना जा रहा है कि क्रूज आगे भी फंस सकता है, क्योंकि क्रूज के हिसाब से बिहार के कई तटों पर पानी कम है। आगे क्या होगा ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है। अभी तो सब बस यही चाहते हैं कि ये क्रूज बिहार में भी अपनी यात्रा अच्छे से पूरी करे। We'll be right back.